जय श्री राधे कृष्णा। भगवान विष्णु का नाम चक्रधर है। उनका यह नाम इसलिए है क्योंकि भगवान विष्णु अपने उंगली में एक चक्र धारण करते हैं जिसका नाम है सुदर्शन चक्र। भगवान विष्णु ने जब श्री कृष्ण का अवतार लिया था तब श्री कृष्ण ने इसी चक्र से जरासंध को पराजित किया था। शिशुपाल का वध भी इसी चक्र से किया था। श्री कृष्ण को सुदर्शन चक्र परशुराम जी से प्राप्त हुआ था, लेकिन भगवान विष्णु के पास यह चक्र कैसे आया इसकी भी एक रोचक कहानी है। वामन पुराण में बताया गया है कि श्री दामा नामक एक असुर था जिसने सभी देवताओं को पराजित कर दिया। इसके बाद उसने भगवान विष्णु के श्रीवत्स को छीनने की योजना बनाई। जब भगवान विष्णु को यह पता चला तो वे क्रोधित हो गए और श्री दामा को दंडित करने के लिए भगवान शिव की तपस्या की। भगवान विष्णु जी की तपस्या से प्रसन्न होकर शिव जी ने उन्हें एक चक्र प्रदान किया जिसका नाम सुदर्शन चक्र था। भगवान शिव ने कहा कि यह चक्र अमोघ है, इसका प्रहार कभी खाली नहीं जाता। भगवान विष्णु इसे परखना चाहते थे तो उन्होंने शिव जी पर प्रहार करने का निर्णय लिया। शिव जी ने भी अपनी स्वीकृति दी। तब भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र से भगवान शिव पर प्रहार किया जिससे भगवान शिव के 3 कंड हो गए। इससे भगवान विष्णु पछताने लगे और फिर से शिव जी की आराधना करने लगे। तब भगवान शिव प्रकट हुए और कहा कि आप निराश ना हो, मेरे शरीर के जो 3 कंड हुए हैं अब वह हिरण्याक्ष, सुवर्णाक्ष और विरूपाक्ष महादेव के नाम से जाने जाएंगे। सुदर्शन चक्र के प्रहार से मेरा प्राकृत विकार ही कटा है। इसके बाद भगवान विष्णु ने श्री रामा से युद्ध किया और सुदर्शन चक्र से उसका वध कर दिया। तो ये आज की वीडियो है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट कीजिए और यूनिराउंडर को सब्सक्राइब कीजिए।